प्रभुषु मसीह के मधुरों मीठ नस्म साथियों पास्ट प्रचारको जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना। इस प्रार्थना में घर परिवार जीव मार्पण उनके लिए सभी समस्याओं के लिए हर एक बीमारियों के लिए हर एक प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वासपूर्वक इस प्रार्थना को देखिए और अपने जीवन में अपने घर में बड़े विश्वास के साथ रिसीव कीजिए कि प्रार्थना आपके घर और आपके परिवार के लिए की जा रही है। हम विश्वास से ही मेरे पियो हम उससे आशीष प्राप्त करेंगे, उससे चंगाई प्राप्त करेंगे। बाइबल में हम बहुत जगह ऐसे बातें पाते हैं जो केवल विश्वास पर ही आधारित है और विश्वास से ही वो बीमार चंगे हो चुके हैं। हम एक देखते हैं सूबेदार का विश्वास बाइबल में, उसका सेवक घर में पड़ा हुआ था बीमार। जब उसके मालिक को पता चला कि यीशु मसीह प्रांत में शहर में देश में आए हैं, तो जो उसका मालिक था वो प्रभु यीशु मसीह के पास गया, कहता है प्रभु मेरा सेवक बीमार पड़ा है, उसको चंगा कर दे। यीशु मसीह उससे कहा मैं आकर उसके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन सूबेदार कहता नहीं प्रभु मैं भी पापी मनुष्य हूँ, तू मेरे घर नहीं आ सकता। केवल अपने मुंह से ही कह दे तो मेरा सेवक जो घर में पड़ा है वो चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो गया। क्या बीमार यीशु मसीह के पास आया मेरे पियो? नहीं। तो जब आपके लिए प्रार्थना किया जाता है तो विश्वास करें कि मैं इस प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाऊंगा, चंगी हो जाऊंगी, समस्याएं मेरे जीवन से खत्म हो जाएंगी केवल विश्वास करने से। और जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु की महिमा को देखते हैं। हम विश्वास से ही प्रभु की आशीष प्राप्त करेंगे, विश्वास से ही हम प्रभु के करीब आएंगे। बिना विश्वास हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए हम उस पे हर एक परिस्थितियों में विश्वास करने वाले हो जाएं और उससे हम आशीष प्राप्त करने वाले हो जाएं। वीडियो को उसे भेजिएगा, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जान सके। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप भेजिए। हम हमारे मिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करें। हल्लेलुया 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 बारी बाहुल बारी करम जयम धन्यवादीशु धन्यवादीशु धन्यवादी ग्लोरी 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 हबारी बाहुल बारी करम ते नाम की महिमा हो, ते नाम की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवादीशु धन्यवादीशु प्रभु जी, हम धन्यवाद पिता इन सारे बातों के लिए। पिता रात सुना दिया, एक नया दिन दिखाया, जूतों के भीतर हम सबको जीवित रखा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मैं पियो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु ने हम सबको महामारी से बीमारी से बचाए रखा और जीतों के बीच जीवित रखा कि हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकें। धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, अपनी मन्नतें पूरी कर। मैं पियो हर एक बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए। परिस्थितियाँ चाहे हमारी विपरीत ही क्यों ना हो, हर एक बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए। प्रभु धन्यवाद का बलिदान से प्रसन्न होता है। मेरे पियो, मेरे पियो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, जूतों के बीच हम सबको जीवित रखा। थैंक यू जीजस, थोड़ी देर प्रभु की महिमा कीजिए मुँह खोल कर। ग्लोरी 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 हल्लेलुया हल्ले आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, हल्लेलुया हल्ले धन्यवादीशु 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 हल्लेलुया 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 हबरी बहुलर करबर उत्तम जयम। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर इन सारे बातों के लिए। प्रभु जी अब तक पिता हम सब पंग तेरे छुपाए रखा, हर एक महामारी हर एक बीमारियों से बचाए रखा। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम आज भी प्रार्थना करते हैं इन सारे भाई बहनों के लिए। पिता वो किसी बात को लेकर चिंतित है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता वो चिंता करने वाली बातों को हम इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं, इनके जीवन के रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थी नाम में हम उसको खोलने की आज्ञा देते हैं। तूने खोल दिया पिता, धन्यवाद देते हैं। वन तुमने नया नया मार्ग को बना के दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए। पिता जो बीमार पड़े हैं पिता, वो दवाई खा के थक चुके हैं, सालों से महीनों से दिनों से पिता बीमार पड़े हैं, वो हॉस्पिटल का चक्कर लगा के थक चुके थे पिता परमेश्वर, वो थके माँ तेरे पास आए, जो दवाई खाते हैं पिता उस दवाई को हम आशीष कर। दवाई खाते हैं शरीर से, इनके शरीर से हर बीमारियाँ निकल जाए।
में पियवाइए घुटनों पर टेक कर आंसू गिराते हुए उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कीजिए। अपने पापों की क्षमा उससे मांगिए। प्रभु दयालु है, कारी है। पिता इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं जो बीमार पड़े हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रार्थना सुनने वाले देखने वाले हर व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए इस समय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम इनको चंगाई की घोषणा करते हैं। इनको चंगाई प्रदान किया पिता, धन्यवाद देते हैं। पिता जो दारू की आत्माओं में, नशे की आत्माओं, बुरी आत्माओं, अंधकारी आत्माओं में फंसे हुए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बड़े बोझ के साथ प्रभु जी, हर चिंता करने वाली बातों को हम इनके जीवन से, इनके घर से हम निकाल फेंकते हैं यीशु नासरी के नाम। पिता हाय दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, प्रहंदी की आत्मा यीशु मसीह के नाम इनके जीवन से घर से हम निकाल फेंकते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चल पिता, उस घर के चारों तरफ बांधते हैं, जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उसे घर वचन की शांति, वचन का प्रकाश है, वो जियाला वचन का सामत्र नाम से याद जाए। तूने इन सबको आशीष दिया, धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी 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 ग्लोरी। पिता ये प्रार्थना जिस घर में चेहरे पिता, उस घर के चारों तरफ बांधते हैं पिता। घर में रहने वाले हर व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। उस घर में कोई महामारी कोई बीमारी पिता परमेश्वर आ ना पाए, इनको छू भी ना पाए, अपने पंखों की आड़ में इनको छू पाए रे पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। तू हमारा रक्षक है, तू हमें हर एक बहेलियों के जाल से, हर एक महामारी की रोगों से तू बचाने वाला जीव परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त पिता, उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं, उन सबको पिता परमेश्वर हम तेरे नाम से आशीष करते हैं प्रभु जी। मैं पियो आपका विश्वास मस्से यीशु में जड़ पकड़ते आना चाहिए। जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता, प्रभु से प्रार्थना कीजिए और आपका विश्वास मस्से यीशु में जड़ पकड़ते आना चाहिए। जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, आपका विश्वास मसीह में आगे बढ़ना चाहिए मेरे प्यो। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ओ जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, कष्ट है, वो प्रभु की महिमा के लिए आई है, उसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस बात भारत देश के लिए पिता, भारत देश में चंगाई का सामर्थ्य प्रकट हो जाए पिता। इस महामारी को हम भारत देश से पिता हम आजादी की घोषणा करते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम इस महामारी को हम जला के शून्य करते हैं यीशु के लहू में। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी जो बीमार पड़े हैं पिता, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम उनको चंगाई की घोषणा करते हैं। इनके परिवार के लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, में इस महामारी से ग्रसित ना होने पाए पिता। यही प्रार्थना करते हैं हम पिता। हॉस्पिटल स्टाफ को तेरे हाथों में सौंपते हैं, डॉक्टर्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। ये जब इलाज करते हैं पिता, उन्हें पंखों तेरे छू पाए रख पिता, इनको महामारी छू भी ना पाए पिता। तूने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त पिता परमेश्वर, जो विदेश में रह कार्य करते हैं और जहां भी रहते हैं पिता, पंखों तेरे छू पाए रख, कोई महामारी कोई बीमारी उनको छू भी ना पाए पिता। जो बीमार पड़े हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम उनको चंगाई की घोषणा करते हैं। जो समस्याओं में घिरे पिता, हर एक समस्याओं को उनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, पूरे संसार में चंगाई का सामर्थ्य प्रकट हो जाए पिता। लोग जानने पिता तू ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस महामारी को पिता हम पूरे संसार से आने की घोषणा करते हैं यीशु के लहू में, हम जला के शून्य करते हैं। तूने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हल्लेलुया, हल्लेलुया, बरी बरुल्ला। रक्तम जय। पिता जो प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। घर के हर एक व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखे दिन भर पिता। कोई महामारी कोई बीमारी को छू भी ना पाए पिता। यही प्रार्थना करते, जो बीमार पड़े चंगाई पर दान किया, धन्यवाद देते हैं। चिंताओं को दूर किया, बोझों को दूर किया, धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रार्थना पिता। पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम यीशु नाम मांगते शून्य दया से ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं पियो विश्वास पूर्वक प्रार्थना को देखिए। प्रार्थना आपके घर आपके परिवार के लिए की जा रही है। बाइबल कहती है विश्वास करोगे प्रभु की महिमा को देखोगे। हालेलुया।